ताजा करिए और पुरानी बॉलीवुड यादें, हिट द बेल आइकन एंड नेवर मिस अ वीडियो फ्रॉम लहरे रेट्रो। 26 जुलाई 1982 का दिन सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के लिए बहुत ही बुरा साबित हुआ था, क्योंकि इसी दिन बेंगलोर में जब वो कुली फिल्म के एक सीन की शूटिंग कर रहे थे, तब उन्हें अभिनेता पुनीत इस्सर का एक पंच बुरी तरीके से लग गया था, जिसकी वजह से अमिताभ बच्चन गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। बाद में अमिताभ बच्चन ने मौत से एक लंबी लड़ाई लड़ी और 2 अगस्त 1982 को उनका फिर से जन्म हुआ था, जब वो कोमा से बाहर आए थे। कहते हैं इस वाकये के एक दिन पहले जब अमिताभ बच्चन अपने होटल में रुके हुए थे, तब उन्हें अभिनेत्री स्मिता पाटिल का फोन आया। इस बात का जिक्र बिग बी ने अपने कई इंटरव्यूज में भी किया है। अमिताभ बच्चन के मुताबिक कुली एक्सीडेंट से ठीक पहले वाली रात स्मिता पाटिल का फोन आया और उन्होंने मेरी तबीयत के बारे में पूछा। मैंने कहा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। स्मिता उस वक्त घबराई हुई थी। जब अमिताभ बच्चन ने स्मिता से इस बारे में पूछा, तब उन्होंने बताया कि कल रात उन्होंने एक बुरा सपना देखा जो आपके बारे में था, इसीलिए मैंने आपको फोन किया ताकि ये जान सकूं कि आप ठीक तो हैं। और इसके अगले ही दिन अमिताभ बच्चन का एक्सीडेंट कुली फिल्म की शूटिंग के दौरान हुआ, जो बेहद ही जानलेवा था। हालांकि अमिताभ बच्चन उस हादसे से बाहर तो निकले, पर तभी से उनके पेट में इन्फेक्शन होता रहता है। काश अमिताभ बच्चन ने इस वक्त स्मिता पाटिल के उस सपने को गंभीरता से लिया होता।